तो दोस्तों YouTube पे जाके अगर आपका चैनल कोई सर्च कर रहा है और आपका चैनल वहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो दोस्तों वीडियो देखने के बाद आपका जो चैनल है सबसे ऊपर सर्च में आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत सारे चैनल है जो कि चैनल तो क्रिएट कर लिए, उसमें वीडियो भी रेगुलर अपलोड कर रहे हैं, बट गाइस होता क्या है कि उसका चैनल जब कोई भी सर्च करता है तो उसका चैनल यूट्यूब पे वहाँ पे शो ही नहीं होता है, मतलब वहाँ पे फिल्टर का यूज़ करता है फिर जाके उसका चैनल आता है, मतलब डायरेक्ट कोई उसका चैनल का नाम सर्च करता है तो उसका चैनल ही शो नहीं होता है, क्योंकि सही तरीके से अपने चैनल को अगर कस्टमाइज़ नहीं करते तो आपका चैनल बिल्कुल भी सर्च में नहीं आने वाला है। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपका कोई भी चैनल है, किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड है, आपका चैनल जो है सबसे ऊपर रैंक करता हुआ नजर आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कोई भी आपका चैनल का नाम सर्च करेगा तो आपका चैनल सबसे ऊपर आपका चैनल का नाम आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, मेरा चैनल का नाम कोई भी सर्च करेगा तो सबसे पहले मेरा चैनल आएगा, उसके बाद मेरे चैनल की जितने भी वीडियोस है सारा वीडियोस आएगा, उसके बाद ही किसी अदर चैनल आएगा या तो अदर वीडियोस आएगा। तो दोस्तों मैंने क्या क्या किया है ताकि मेरा चैनल सबसे ऊपर रैंक करता हुआ नजर आ रहा है, तो दोस्तों सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, वीडियो से एंड तक बने रहना है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो वैसे ही आपको लेकर चलते अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और आपको वहाँ पर प्रैक्टिकली तरीके से करके बताने वाले हैं कि किस तरीके से आपको अपने चैनल को सर्च में सबसे ऊपर लाना है। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे आ चुके अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, तो गाइस सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो चैनल का नाम वो थोड़ा यूनिक होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि कोई बड़ा जो यूट्यूबर है उसका चैनल ऑलरेडी है यूट्यूब पे है और फिर आप उसी नाम से अपने चैनल को बना दिए। अगर ऐसे करते तो आपका चैनल सर्च में आएगा बट आपको फिल्टर करना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ पर सबसे ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर आपके नाम का चैनल होगा तो आपका जो चैनल है वो रैंक नहीं करेगा। तो कैसे आपको सबसे पहले कोई यूनिक नाम रखना चाहिए जो कि यूट्यूब में ना हो, तो आपको करना क्या है कि आपको क्रोम ब्राउजर में जाके वहाँ से यूट्यूब से लॉगिन हो लेना है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो डैशबोर्ड यहाँ पे खुल चुका है, उसके बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड यहाँ पे देख सकते हैं नीचे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है सेटिंग का, यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे और भी ऑप्शन मिलता है कस्टमाइज का, बट ये सब के ऊपर क्लिक नहीं करना, आपको यहाँ जो सेटिंग का ऑप्शन मिलता है आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार सा इंटरफेस आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है चैनल का, यहाँ पे सेकंड नंबर में आप देख सकते हो, तो इसके ऊपर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कीवर्ड करके लिखा हुआ आ गया है। तो गाइस आपका चैनल जो भी है, जैसे कि मेरा अरविंद जोन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं अरविंद जोन से मैंने बहुत सारे यहाँ पे टैग लगा रखा है, मतलब ये सब में से कोई भी कोई सर्च करेगा तो मेरा चैनल सबसे ऊपर वहाँ रैंक करता हुआ नजर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने यहाँ कीवर्ड वगैरह यूज़ करके रखा हूँ। तो गाइस इसी तरीके से आपको आपका जो चैनल का नाम है उसी नाम के रिलेटेड आपको बहुत सारे यहाँ पे कीवर्ड ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपको यहाँ से सेव कर देना है, यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन आ जाएगा, तो इसको यहाँ से सेव कर देना है। तो गाइस कीवर्ड ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे प्रेस करना है, उसके बाद यहाँ पे टाइप कर देना है, जैसे कि हम यहाँ पे अरविंद लिख देते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे एरो वाला जो दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो गाइस उसके बाद हमारा जो कीवर्ड है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो गाइस इसी तरीके से आपको यहाँ पे बहुत सारा कीवर्ड को ऐड कर लेना है, आपके जो चैनल के नाम से रिलेटेड है वैसे ऐड कर लेना है। तो गाइस जब आप बहुत सारे कीवर्ड ऐड कर लोगे तो आपका जो चैनल का नाम है ऑटोमेटिक रैंक करना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद आपको एक और काम करना है कि आपका चैनल का जो भी नाम है आपको करना क्या है कि आपको किसी भी दो चार मोबाइल ले लेना है, मतलब कोई भी अगर आपका फ्रेंड है या किसी का मोबाइल है तो मोबाइल लेना है, उसके बाद आपका चैनल को सर्च करना है। सर्च करने के बाद फिल्टर, अगर आपका चैनल नहीं आता है तो आप फिल्टर कर लेंगे, फिल्टर करने के बाद आपको अपने चैनल के ऊपर क्लिक करना है, मतलब ऐसे करके तीन चार बार सर्च करना है, फिर आपके चैनल पर विजिट होना है, फिर कार्ड देना है, फिर चैनल को सर्च करना है, फिर विजिट करना है, मतलब ऐसे ज़्यादा सर्च करके आपका चैनल पर विजिट होगा तो आपका जो चैनल का रैंक ज़्यादा आएगा और आपका चैनल ज़्यादा रैंक करेगा और सबसे ऊपर आ जाएगा। तो कैसे आप यही सब तरीकों यूज करें, उसके बाद देखना आपका चैनल जो है सबसे ऊपर सर्च में आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।